नमस्कार, कुकिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आज हम आपको बताएंगे टमाटर को अलग अलग तरीकों से प्रिजर्व करने कैसे कर सकते हैं। लीजिए, हमने टमाटर लिए, ये देखिए, इन्हें अच्छी तरह से हमने धो लिया है। अब इनकी डंडियां हम निकालेंगे। ये देखिए, अच्छे से इनकी डंडियां निकाल लीजिए, इन्हें अच्छे से साफ कर लीजिए। इसे हमने इन्हें अच्छी तरह से साफ कर लिया। लीजिए, इनके इस तरह से पीसीस कर लीजिए। ध्यान रहे, ये टमाटर का हमें बीच वाला हिस्सा निकाल देना है, इस तरह से। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि हमें टमाटर मार्केट में कभी मजबूरी होती है कि हम जा नहीं सकते, अपने घर से ही आप फ्रेश टमाटर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा स्टेप हमारा, टमाटरों को छोटे छोटे ब्लॉक्स में काट लीजिए। ये हमारा सेकंड स्टेप, छोटे छोटे ब्लॉक्स में हमने टमाटर को काट लिया है, इन्हें हम सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले स्टेप की तरह ये देखिए, इस तरह से टमाटरों को एक जिपर में डालेंगे और इन्हें डीप फ्रीज करेंगे। इन्हें अब हम डीप फ्रीज करते हैं। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, इन्हें हम टमाटरों को काट के ग्राइंड करेंगे। लीजिए, हम टमाटरों को अब ग्राइंड करेंगे। इसमें हम अदरक के साथ भी टमाटर को ग्राइंड कर सकते हैं, मिर्च के साथ, बजिलिकम के साथ, इन्हें हम हर तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। पर हम अकेले ही खाली टमाटर को ही ग्राइंड कर रहे हैं। ये टमाटर हमारे ग्राइंड हो चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, क्योंकि हमारे टमाटर की इससे खटास और बढ़ जाएगी, और अगर हमने इन्हें रखना है फ्रिज में तो ये खराब नहीं होंगे। लीजिए, टमाटर प्योरी हमारी बनकर तैयार है। इसे हम धनिया मिक्स करके लंबे समय तक चला सकते हैं। आप इसे 10-15 दिन इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप इसे प्रिजर्व भी कर सकते हैं जिपर में। ये लीजिए, धनिया बारीक बारीक काट के हम इनमें मिक्स करके रख सकते हैं।
देखिए धनिया हमने ऊपर से डाल दिया है, आप अच्छे से मिक्स करिए और इन्हें जिप्पर में प्रिजर्व करके रखिए। ये हमने टमाटर डीप फ्रीज में से निकाल लिए हैं, टमाटर हमारे इनके ऊपर बर्फ जम चुकी है, देखिए इस तरह से इस्तेमाल करिए। टमाटर का छिलका नुकसानदायक होता है, इसलिए आपका टमाटर का छिलका भी उतर जाएगा इजीली और आप फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं सब्जी के लिए। देखिए इस तरह से टमाटर को आप काफी लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। कोई सीजन होता है कि आपको टमाटर अवेलेबल नहीं मिलते, तो आप अपने घर में इस तरह से टमाटर को प्रिजर्व करिए और अच्छे से हेल्दी टमाटर यूज कीजिए अपने घर में, फ्रेश टमाटर। ये हमने जो हमने टमाटर प्यूरी तैयार की थी उसे हम डीप फ्रीज करेंगे। हमने धनिया मिला लिया है इसमें और बाद में जमने के बाद में इसके हम छोटे छोटे ब्लॉक्स कट कर लेंगे। लीजिए जो हमने ब्लॉक्स टमाटर के काटे थे इन्हें हम एक छोटे जिपर में डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। जिपर में डाल के इन्हें आप डीप फ्रीज कीजिए। जब भी आपको सब्जी बनानी हो तो आप उससे 2-3 घंटे पहले निकाल लीजिए और उसके बाद में आप यूज कीजिए। जो प्यूरी हमने तैयार की थी टमाटर प्यूरी उसके हमने छोटे छोटे ब्लॉक्स कर लिए हैं, ये देखिए ये देखिए। अब हम इन्हें एक जिपर में डाल के रखेंगे, ये देखिए। अगर आप चाहें तो इनके थोड़े छोटे भी कर सकते हैं और बड़े पीस भी कर सकते हैं। ये देखिए आप जितनी प्यूरी चाहें, थोड़ी किसी सब्जी में थोड़ी डालने होते हैं टमाटर तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी भी, आप टमाटर ढूंढें या कुछ करें भी मार्केट जाना पड़ेगा तो आप अपनी प्यूरी लें और सब्जी में यूज करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और भी ऐसे टिप्स लेकर हाजिर हों तो आप हमें लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।